गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम छत के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे डीपीसी इन बेसमेंट। ठीक, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। तरीके से ब्रिक में फ्लोर में हमारा था डायगोनल बॉन्ड और हेरिंग बोन बॉन्ड, तो वो हम आपको बताएंगे। उसमें क्या होता है कि जो हमारा हेरिंग बोन बॉन्ड होता है और डायगोनल बॉन्ड होता है, मान लीजिए कोई क्रॉस सेक्शन है, तो जो हमारा डायगोनली बॉन्ड होता है उसमें क्या कहता है कि ब्रिक जो होती है उसको ऐसे एक डायगोनल पे लगाते ऐसे चले जाते हैं। डायगोनली ऐसे लगाते चले जाते हैं, फिर हमारा ब्रिक होता है इसके बाइफर्केशन के साथ उसको। इसको बना लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, मैं तो जहाँ तक लग रहा है क्लियर नहीं आ रहा है इसमें, तो मैं इसको फिर से मिटा के फिर से बताया जाता हूँ। पहले इसको मैं क्लियर कर लेना, फिर मैं आपको समझा दूँ। ठीक, आज हम आपको जो हमारे ब्रिक का जो बॉन्ड होता है, जो हम फर्श लगाते हैं उसमें जो बॉन्ड होता है वो कैसे होता है, दो तरीके का बॉन्ड होता है। दो बॉन्ड हमारे होते हैं, एक हेरिंग बोन बॉन्ड कहलाता है और एक कहता है डायगोनल। चलिए एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक यूज करना होगा, जो हमारा स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक होता था वो 9
सब बदल के फिर बाद में हमारा अब हम इसको रिप्लेस कर दें इस लाइन से 23 × 11.6 × 7.4 से, ठीक, इस हम इसको रिप्लेस कर दिए इससे और ये हमारा जो होता था वो मॉडुलर कन्वर्जन ये होता था जो जिसकी साइज एक ये साइज होती थी कन्वेंशनल साइज जिसको कहते हैं 20 × 10 × 10 जिसमें हमारा ब्रिक का जो लेंथ होता था वो 20 सेंटीमीटर का होता था और जो ब्रिक का थिकनेस होता था वो 10 सेंटीमीटर का होता था और जो ब्रिक की विड्थ होती थी वो 10 सेंटीमीटर। तो हमको जब ड्राइंग बनाने का बात आ जाता तो हम क्या है कि हमको ये इजी है नॉर्मली इसके चेंज करने से इसके अपेक्षा, तो हम इसलिए इसको यूज करते हैं। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा हेयरिंग बोन बैंड और क्या उसमें आप देखे होंगे
हेरिंग बोन बॉन्ड होता है ये थोड़ा सा डायगोनल के अपेक्षा इसकी जो सेटिंग होती है वो थोड़ी अलग होती है। ठीक, और ये नॉर्मली डायगोनल से थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। ये आप देख रहे होंगे इस लड़के में ऐसे करके ऐसे भी एक दोनों होता है, ये भी डायगोनल की फॉर्म के आप इसको बना लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं डायगोनल बॉन्ड की तरफ।
दो सेंटीमीटर खींचे, उसके बाद दो सेंटीमीटर खींचे, लास्ट टाइम का जगह बचा